नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सबको इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद पूरा पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और फिर एट द एंड लेफ्ट पाम पे भी कुछ इंडिकेशन के बारे में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं फिंगर के लेंथ के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को भी व्यक्त करता है। यानी जैसे ही आपके दिलो दिमाग में कोई भी बात आती है, उस पर क्विकली रिएक्ट करना या क्विकली रिस्पॉन्स देना या उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेना, ये बेसिकली आपके नेचर में रहने वाला है। इसीलिए सीधे रिजल्ट की चाहत ज़्यादा रहेगी और टू द पॉइंट बात करना और टू द पॉइंट ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। यानी ज़्यादा एनालिटिकल या ज़्यादा पेशेंस लेवल आपके अंदर नहीं रहने वाला है। जहाँ तक बात किया जाए लिटिल फिंगर की, तो इसके लिए तकरीबन ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के यहाँ पर फर्स्ट फोर के ऊपर तक गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपनी बात को बड़ी ही स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। व्यापार के क्षेत्र में या मार्केटिंग स्किल में इस कारण से लाभ देखने को अच्छा मिलता है। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करती है। तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रिस्क से आप पीछे नहीं हटेंगे, यानी हिम्मती स्वभाव आपका रहने वाला है। यही रीज़न है कि लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना या अपने आप में इनोवेशन जो होता है यानी अपग्रेडेशन, वो करते रहना। तो ये बेसिकली आपके नेचर में रहने के साथ साथ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सोसाइटी में अच्छा नेम फेम मिलने के चांसेस भी क्रिएट हो रहे हैं। अदरवाइज फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर को बताती है, लेकिन सेकंड पोर पर सिर्फ आपकी आड़ी की आड़ी रेखा मौजूद है। यानी किसी भी रिलेशन के शुरुआत में बहुत स्मूथ आपका वो रिलेशन चलता है, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का हो, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने लगते हैं कि वो रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है वो फाइंड करेंगे, लेकिन जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो कोई भी रिलेशन ज़्यादा लंबा फिर टिक नहीं पाता है और रिलेशन के कारण भी ज़्यादा अननेसेसरीज वरीज और बेसिकली लाइफ में ट्रबल देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देख पाएंगे तो फिंगर के बीच में गैप्स भी आपके मेंटेन हो रहे हैं, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर को और साथ ही साथ एक अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण इस कारण से आपका कम रहेगा। वहीं अंदरूनी और यहाँ पर बात करें फिंगर के फैलेंजेस के बारे में, तो अंदरूनी मंगल भी विकसित ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना और ऊर्जा आपके अंदर अच्छा रहने वाला है। थंब का साइज यहाँ पर सशक्त यानी मजबूत है, तो जो आपका व्यक्तित्व रहेगा वो लोगों के सामने निखर के आएगा, जिसके कारण ये हठी और यहाँ पर ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। जो भी एक बार ठानेंगे सो करके दिखाएंगे, ये बेसिकली आपके नेचर में रहने वाला है। फर्स्ट फेलेंज का लेंथ यहाँ पर अच्छा है, तो इस कारण से जो भी आपके इमोशंस रहेंगे वो दूसरों के सामने जल्दी बाहर निकल जाने वाले भी रहेंगे। वहीं विल पावर भी आपका स्ट्रांग रहने वाला रहेगा। यहाँ पर देखें तो यव का साइन भी डेवलप है, जो कि गुड सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, गुड ग्रेसपिंग स्किल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी सकते हैं। बाकी आते हैं यहाँ पर पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपका यहाँ पर एक प्रकार से लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं चौड़ाई में भी ठीक देखने को मिल रहा है, लेकिन तब भी रेक्टेंगुलर पाम के अंडर कंसिडर किया जाएगा, जिसके कारण बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी, जिसके कारण ज़्यादा भागदौड़ी वाला काम आपको पसंद नहीं आएगा। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छे डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा या ऊर्जा आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। शुक्र शासित हाथ है, तो लग्जरियस लाइफ की चाहत, कामुकता, काम वासना, इन सब की ओर भी अट्रैक्शन या ध्यान जाता है। और शुक्र किसी ना किसी चीज़ का लत भी आपको देते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जब शुक्र पर सेपरेटली आएंगे तो मैं और सारे इंडिकेशंस की महत्वपूर्ण बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जीवन में किसी चीज़ की कमी आपको नहीं रहने वाली है। थिंकिंग जोन डेवलप ठीक है, लेकिन एक्शन जोन ज़्यादा डेवलप नहीं है। यानी कई मरतबा ये भी होता है कि आप सोच विचार भी लेते हैं कोई भी कार्य करने से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं जितना सोचते हो उतना कर नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो जैसे गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें, तो यहाँ देख पाएंगे गुरु पर आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर सीमियन लाइन से निकल रही है। ये सेपरेट एक जो लाइन है ये सीमियन लाइन में कन्वर्ट ज़्यादा हो गई, जिसके कारण हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एक हो जाता है। तो जब यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ये एक प्रकार के अनसेटिस्फेक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। आपके अंदर एम्बिशन इतना ज़्यादा रहने वाला है, ड्रीम डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा रहने वाली है कि उसको फुलफ़िल कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही रीज़न है कि अपना सेटिस्फेक्शन देखने के लिए आप मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है
वो मिल पाने में थोड़ा देरी जरूर रहने वाला रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जुनून, हौसला, पराक्रम या कह सकते हैं कभी भी आप होपलेस अपने लाइफ में नहीं रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें गुरु माउंट पे, तो गुरु माउंट डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी देगी, जिसके कारण जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान और आदान प्रदान भी आपका बढ़ने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो और भी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर पहुँची है, जिसके कारण इसको अच्छा खासा बल देखने को मिल रहा है। तो जीवन में नॉलेज की भी कोई कमी नहीं रहेगी और हर प्रकार की सुख सुविधा का आनंद भी आप उठा पाएंगे। जहाँ तक रही यहाँ पर एक प्रकार से स्टार का टाइप फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन तब भी जो मेरिड लाइफ रहेगा वो आपका स्मूथ और सक्सेसफुल रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप अपने सैटर्न माउंट को, तो सैटर्न माउंट भी दब रहा है, तो ये थोड़ा सा चिंतात्मक स्वभाव को ज़्यादा व्यक्त करता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हर कार्यों में देरी जरूर देखने को मिलती है। और जो फेट लाइन है वो आपका चंद्र के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है और ये सीधे गुरु की तरफ झुका हुआ है। और भी मल्टीपल्स लाइनें हैं जो यहाँ पर चंद्र के क्षेत्र से ही प्रारंभ होते हुए आगे की ओर यहाँ बढ़ रहे हैं। जब मल्टीपल सैटर्न्स लाइन यहाँ सैटर्न माउंट पे देखने को मिले, जैसे आपका देखने को मिल रहा है, तो ये मल्टीपल थॉट्स को इंडिकेट करता है और साथ ही साथ एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदिपन को भी व्यक्त करता है। तो इस कारण दिक्कत ये रहती है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर ध्यान हमेशा नहीं रह पाता है और ध्यान बहुत जल्दी भटक जाने वाले भी रहता है। अब जैसे आपके यहाँ पाम में देख पाएंगे आप कि जितनी भी ये लाइनें निकली हैं यहाँ से आपकी मून लक लाइन, ये कहीं से भी कहीं तक प्रॉपरली सैटर्न तक पहुँचा ही नहीं है, बीच में आकर के रुक गया है, नहीं तो इनबैलेंस होकर के आगे की ओर बढ़ गया है। हालांकि गुरु पर जाने से ये विदेश से अच्छे लाभ को ही इंडिकेट करता है, लेकिन जीवन में भागदौड़ी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मून लक लाइन यहाँ क्या इंडिकेट करता है कि आपको बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा, शादी के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाला है या सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी आने वाली रहेगी, मदर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वहीं बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से प्रोत्साहन या सहयोग भी आपको मिलते रहेगा। इसके अलावा आप मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे, तो ये सारे फॉर्मेशन अपने आप में ठीक हैं, लेकिन यहाँ जो सैटर्न पर इंडिकेशंस हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट सही नहीं हैं। तो जब यहाँ इस प्रकार के इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि रेखाएं चल रही हैं, उस पर अन्य रेखाएं भी काट रही हैं, फिर मल्टीपल्स लाइन देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन के साथ साथ चिंतित स्वभाव को भी व्यक्त करता है, चिंता थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर अच्छी है कि आपके जितने भी ड्रीम या डिज़ायर्स रहेंगे वो सबके सब तकरीबन फुलफ़िल होने वाले रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें आप तो आपके सूर्य और शनि पर्वत के बीच में जो ये रेखा है, ये अच्छे नॉलेज और एडवाइज़र को इंडिकेट करती है, तो अच्छा आप गाइड किसी को कर सकते हैं, सुझाव अच्छा दे सकते हैं। और सूर्य माउंट पर भी आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको जो स्टेयर का साइन देखने को मिलेगा, ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं कि यस, आपका जो नेम फेम है वो सोसाइटी में अच्छा रहने वाला है या जन्म स्थान से दूर तक, दूर दूर के क्षेत्रों तक आपका नाम, इज्जत, शोहरत आपको मिलने वाला रहेगा। वहीं सूर्य की जो रेखा है वो यहाँ पर आपके फेट लाइन से निकल के सीधे ऊपर तक भी आई है और यहाँ पर यश का चिन्ह भी मौजूद है। यश का चिन्ह वो होता है जिसमें इस प्रकार से बायफोर्क हो जाता है बुध और सूर्य पर्वत के बीच में। जब इस प्रकार के फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो लाइफ में अच्छी पावर, अथॉरिटी और ये नेम फेम का सबसे ज़्यादा कारक है, तो इसमें कोई भी कमी रहती नहीं है। लेकिन एक्चुअली हो ही रहा है कि जितनी भी रेखाएँ ये बन रही है, जैसे ये स्टार का भी साइन बन रहा है, तो ये दूसरी रेखाओं को काट करके बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल का जब फॉर्मेशन होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती, पिता की पोजीशन हमेशा अच्छी देखने को मिलती है या कहीं ना कहीं फादर ऊंचे लेवल पर होते हैं। लेकिन ये जो ट्रायंगल भी बन रहा है किससे बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये आड़ी रेखा काट करके, फिर एक और रेखा काट करके, फिर जब इस प्रकार के फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं तो लाइफ फिर इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होती और वो आपकी लाइफ जो टफ बनेगी वो खुद आपके द्वारा भी बनेगी, ये भी ध्यान रखिएगा आप। मतलब इतने लाइफ में आपके झंझट, फसाद, दिक्कत नहीं रहेगा जितना आप क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के चांसेस भी इसमें आपके द्वारा इसलिए ही देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जब सन लाइन पे हार्ट लाइन से निकल के कोई रेखा काट करके जाती है इस प्रकार से, जितनी ये रेखाएं काट रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के ही निर्णयों के कारण, खुद के इमोशंस के कारण या खुद की लापरवाही के कारण अपना भाग्य और अपना जो सूर्य है यानी तेज प्रताप, इसको कमज़ोर करता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन तब भी आगे चल करके आपका जैसे सूर्य का माउंट जो रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दे रहा है, तो इतना ज़्यादा चिंतित होने वाली कोई भी बात नहीं है। जीवन में किसी भी चीज़ की आपके पास कमी नहीं रहेगा, अच्छा जमीन, जायदाद, घर बार, नेम, रिस्पेक्ट, मनी, सब चीज़ रहने वाला है, पावर, अथॉरिटी, रॉयल्टी अपने लाइफ में अच्छी आप मेंटेन कर पाएंगे और
कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी है आपके अंदर, जिसको अगर आप निखारते हैं तो बहुत ऊंचे लेवल तक आप अपना नाम अपने जीवन में कमा पा सकने में कामयाब होंगे। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को आपको फोकस करना ज़रूरी है, और लाइफ में करियर को लेकर के सीरियस होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सूर्य यहाँ पर सरकार से भी लाभ दिलाता है, राजनीति के लाभ दिलाते देखने को मिलता है। वहीं जितने भी उच्च पद अधिकारी रहते हैं या कहीं ना कहीं अपने जीवन में पहुँचे हुए इंसान रहते हैं, उन लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ पर अच्छे रहने वाले रहेंगे। मरकरी माउंट डेवलप अच्छा है तो बोलचाल की कला बहुत अच्छी रहती है, और एक से अधिक सीधी खड़ी रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को सर्वप्रथम व्यक्त करता है। तो अपने बातों से दूसरों को ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं, या अपने बातों से जो भी कोई बात है वो मनवा सकते हैं। उम्र से कम भी दिखेंगे, अट्रैक्टिव भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप देख पाएँ तो यहाँ पर भी आपका एक रेखा आकर के काट की गई है। ये कौन सी रेखाएँ हैं? ये जितनी रेखा काट के जा रही है सब के सब हार्ट लाइन का पार्ट है, ये देखें आप। और यहाँ ये जितने भी फॉर्मेशन है ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो ये बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है, जिसको इनडायरेक्टली मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं। तो मूड स्विंग के कारण ये सारे ट्रबल्स भी यहाँ शो हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ मरकरी माउंट पर ये आड़ी रेखा काट की गई है, तो इस कारण से ये रहेगा कि आपकी इंटेंशन नहीं रहेगा किसी को ख़राब बोलना या कुछ भी अपने द्वारा बोल करके बुरा लगवाना, लेकिन आपके द्वारा निकल कुछ ऐसे वर्ड जाएंगे, चाहे वो गुस्से में हो या हंसमुख हास्य कवि हंसते खेलते पन में हो, मजाक में हो, कि सामने वाले को वो बातें लग सकती हैं, तो वैसा योग भी दिख रहा है। वहीं हृदय रेखा के अंत में गोपुच्छ की आकृति है, जो फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है। यहाँ जो सीमेन लाइन है इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। सीमेन लाइन का मतलब यह रहता है कि जिसमें माइंड और हार्ट लाइन मर्ज हो जाए, यानी दिल दिमाग एक हो जाए। इसका मतलब आप जो भी काम करेंगे पूरा फोकस्ड होकर के करेंगे, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल मेंटलिटी के ज़्यादा रहेंगे, तो जीवन में ऐसा कोई जो इमोशंस बहुत ज़्यादा जो शो करते हैं या इमोशनली अटैच्ड वाला ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ट्रबल नहीं रहेगा। बहुत सारी बातें हिडन आपकी रहने वाली है, मन से बातें ज़्यादा निकल नहीं सकती है, शो नहीं करेंगे आप कोई चीज़। और ज़्यादातर ये जो फॉर्मेशन है ये साइंटिस्ट और रिसर्चर लोगों के हाथ में होता है, जो किसी भी एक फील्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनको दिल दिमाग एक ही चाहिए होता है और इमोशंस वगैरह से उनका कोई भी ऐसा नाता नहीं होता है। तो ये क्वालिटीज़ ज़्यादा बिल्ड हो रही है, लेकिन ये क्वालिटी आपके अंदर एकदम जो है प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे रहा है। रीज़न ये है कि यहाँ से भी मल्टीपल्स लाइन रुक रुक करके, टूट टूट करके, फिर डबल्स लाइन के साथ, जब भी सीमेन लाइन हो, इसे दूसरे शब्दों में माइंड लाइन ही कहा जाता है, ये जब डबल लाइन में चल रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ आप एक समय पर डबल थिंकर हैं, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते, तो उसके कारण काम जो है परफेक्टली हो भी नहीं पाता है, वहीं भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके पाम देखते से ही ये सबसे पहले डिनोट हुआ था। इसके अलावा जो हार्ट लाइन है वो अपना अलग ही चल रहा है, तो इस कारण से वो जो बैलेंस है लाइफ में वो कहीं ना कहीं इतना शो नहीं हो पा रहा है। और लाइफ को आप बैलेंस इमोशनली या प्रैक्टिकली और अपने मन के अकॉर्डिंगली भी नहीं कर पा रहे, तो उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट सारे चीज़ों पर यहाँ पर पड़ रहा है, और ख़ासकर इसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ रहा है। तो इसका मैं रेमेडीज़ आपको दूंगा, और ऐसे कुछ भी इश्यूज़ हैं तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्रबल्स आपको रहती हैं तो मुझे ज़रूर इस बात को भी बताएं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लाइफ लाइन की, तो यहाँ देख पाएंगे आपके लाइफ लाइन का फ्लो कंपेरेटिवली एक छोटा आइलैंड है, देन आफ्टर आगे की ओर बड़ा, फिर एक आइलैंड बना, फिर डबल्स लाइन के साथ, फिर बाहर की ओर ये रेखाएँ सारी की सारी झुक गई हैं। तो विदेश यात्रा के योग अच्छे हैं, वहीं जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी ब्राइट हैं। अब यहाँ जो पहला आइलैंड बना है, उम्र तकरीबन 12 से 15 के बीच में है। दूसरा जो आइलैंड का फॉर्मेशन बना है ये उम्र तकरीबन 26 से यहाँ 30 के बीच में है। तो ये जो दो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पर टेंशन, एनजाइटी, वहीं हेल्थ रिलेटेड ट्रबल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो सेकंड आइलैंड फॉर्मेशन है ये आपको टेंशन बेसिकली ज़्यादा देने वाला रहेगा, वहीं लाइफ में ग्रोथ भी इस कारण से रुकी रहेगी। 30 के बाद से लाइनें स्मूथ हुई हैं और बाहर की ओर निकल रही है, तो जन्म स्थान से दूर जाने के पूरे योग हैं आपके। फॉरेन ट्रैवलिंग, विजिट या सेटलमेंट के चांसेस भी ब्राइट हैं। कंपेरेटिवली लाइफ लाइन के पैरेलल
यहाँ देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन यहाँ चल रही है जो गुड सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है कि आपको समय रहते दूसरों का सहयोग हमेशा मिलते रहेगा, जब जब नीड होगी तब तब दूसरों के सपोर्ट के कारण आप अपना जो ड्रीम डिज़ायर है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, वही ट्रबल से निकल भी पाएंगे। और फिर यहाँ पर बहुत अच्छा बायफोर्क हुआ है जिसके कारण ये अच्छी ट्रैवलिंग को सबसे पहले इंडिकेट करता है क्योंकि केतु का माउंट है और वहीं फैमिली पर फोकस भी रहेगा, लेकिन वहीं अगेन फॉरेन लैंड पे विजिट या फॉरेन से अर्निंग के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। अंदरूनी मंगल वहीं बाहरी मंगल विकसित ठीक है और बाहरी मंगल से कुछ सपोर्टिव लाइन्स भी निकल रही हैं जो मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, तो इस कारण से आप कभी भी किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। और शुक्र का क्षेत्र जैसे डेवलप ज़्यादा है तो ये अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करवाता है, वहीं किसी न किसी चीज़ का लत भी देखने को मिलता है। शौकीन किस्म का नेचर आपका रहने वाला है, हर प्रकार की लग्जरी सुख सुविधा का आनंद उठा पाएंगे, अच्छा रहन सहन खान पान घूमना फिरना इशारे शौक अरमान को पूरा भी कर पाएंगे। अब यहाँ की जो आड़ी रेखाएं हैं ये अननेसेसरीज वरीज देती हैं रिलेशनशिप को लेकर के, जिसके कारण रिलेशन में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन आपको बना रहेगा, मतलब अपने पार्टनर से उस प्रकार का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब उसके पीछे रीजंस भी बहुत होते हैं सेपरेटली कि किन्हीं लोगों का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत राइज होते हैं या कहीं ना कहीं जब पार्टनर हो मिलता है तो बोर होने लगते हैं, तो यही कुछ केसेस भी आपके साथ यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। वहीं शुक्र यहाँ पर फैमिली का भी कारक है तो फैमिली को लेकर के भी टेंस्ड आप यहाँ शो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो सीधी खड़ी रेखा है जो शुभ मानी जाती है क्योंकि अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस को इंडिकेट करता है, तो लाइफ में आपके ऐसे कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। और यहाँ बात की जाए आपके चंद्र पर तो चंद्र पर भी क्रॉस का साइन है जिसके कारण ये थोड़ा नेगेटिव थाट, ओवर थिंकिंग और एक प्रकार से मन में विचलन को सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण मन कहीं भी एकाग्रचित यानी फोकस नहीं हो पाता है, मन का भटकाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें मर्करी लाइन्स की तो मर्करी लाइन भी यहाँ पर डेवलप्ड होकर के चल रही है तो आपको व्यापार के क्षेत्र से लाभ के आसार अच्छे हैं, वहीं हेल्थ में भी सुधार आपके रहने वाला रहेगा। फिर ये इंडिपेंडेंट फेट लाइन गई है, ये सीमियन लाइन है, मनी ट्रेंगल फिलहाल के टाइम पे ओपन है तो उस कारण से जीवन में धन अच्छा आएगा रुकेगा, लेकिन उसको रोक पाना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ओवरऑल इस पाम में यही इंडिकेट हुआ है कि लाइंस हैं, बहुत अच्छे प्रोमिनेंट इंडिकेशंस भी हैं क्योंकि जब सन पे वी सिंबल होता है तो लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रगल या उतार चढ़ाव हो एट द एंड आप जैसे लोग सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं। मून लक लाइन है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट 100% होने वाला रहेगा। और जहाँ तक सारे इंडिकेशंस की बात की जाए तो आफ्टर 32 के एज के बाद से लाइफ लाइन में सुधार अच्छा हुआ तो स्टेबिलिटी उसके बाद से ही बढ़ेगा। और राहु का क्षेत्र पर भी स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन है तो लाइफ में अचानक से आप राइज करने वाले अपने क्षेत्र में रहने वाले रहेंगे। और जैसे जुआ सट्टा या एक प्रकार से शेयर मार्केट इन सब से भी आपको लाभ मिलने के आसार अच्छे हैं। तो ऐसा कोई नेगेटिव ज़्यादा इंडिकेशंस नहीं है, बस थोड़ा इमोशंस फीलिंग्स या मन पे कंट्रोल इतना नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं लेफ्ट पाम पे, तो यहाँ आप लेफ्ट पाम पे देख पाएंगे कि वही हार्ट लाइन एकदम सिंपल होकर के गुरु से कनेक्टेड है। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन यहाँ चली है और यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, ये जो एज है ये अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ शो हो रहा है 23 अप्रोक्स एज के आसपास में ही माइंड लाइन में भी चेंजेस यहाँ पर ब्रेक होकर के आगे की ओर चल रही है। कोई ना कोई चीज़ के कारण आप डिप्रेशन या एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन आपके टूटने के योग यहाँ 23 एज के अप्रोक्स में दिख रहे हैं, जिसके कारण मेंटेलिटी में आपके चेंजेस बहुत ज़्यादा आया, जिसमें के बाद और थोड़ी सी काल्पनिकता इमेजिनेशन स्किल में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ मनी ट्रेंगल का फॉर्मेशन क्लियर कट है तो धन के जीवन में ऐसे कोई भी आपको कमी नहीं रहने वाली है। तो यह होती कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।